अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MH व्लॉग्स। अल्लाह पाक के करम फजल और शुक्र के साथ साथ आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब फिट एंड फाट और साथ साथ ना चौकस होंगे। तो यार आज है ईद का 8वां दिन, ब्यूटीफुल। तो आज हम जा रहे हैं दुकान पे, टाइम तो वही जो है ममूल होना ही होना होता, जो मर्जी हम कोशिश कर रहे हैं, जितना मर्जी टीले लगा लें। ये भी हमारे दोस्त उठा गए हैं, तो उस टाइम भी हम कौन उठे सोए हुए थे, कोई होश नहीं किधर गए हैं हम, क्यों पूरा इंजॉय कर रहे, चौकस माहौल कर रहे थे। साथ ही यार वो लड़का आया, उसने कॉल किए, वो काम था उससे काम किया, तो उसके बाद फिर हम आगे सो गए। अभी हमने सोचा ये कि दुकान पे जाना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, आज जुम्मे का दिन है तो हमें जल्दी जाना चाहिए, इसलिए कोई चक्कर चुक्कर नहीं, हमें जाना रूटीन के मुताबिक उसी टाइम पे, तो जाके हम आपको मिलते हैं रास्ते में। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये रही हमारी गली में जाहिर लग रहा है, यार बड़ा लंबा काम हो गया, चाहे 3 दिन हो गए तो अभी तक 400 फीट के करीब पहुंच गए, लेकिन अभी तक उनका पानी नहीं आया, तो इंशाल्लाह दुआ करें कि पानी उनका भी आ जाए। लेकिन आज जो यार सीन पड़ेगा ना, हम जुम्मे के चक्कर में वाइट कपड़े पहनेंगे तो जा रहे हैं कि थोड़ा पप्पू चप्पू लगेंगे, लेकिन यार जब हम रात को आएँगे ना तो हमारे कपड़े ब्लैक हो गए होंगे, क्योंकि हमारा काम कुछ इस तरह का डस्ट वाला, इसकी वजह से हमारे कपड़ों की हालत बुरी हो जाती है। बाकी कुछ ना कुछ करना ही करना है ना, ब्लैक इस टाइम चौकस करेंगे, आपको व्हाइट पॉपिट नज़र आ रहे हो, जब हम रात को आएंगे शायद कंट्रास्ट देर होगा ब्लैक कलर का। बाकी फिर भी हम चलते हैं, जितनी मर्जी हम कोशिश कर ले, रहा हमारे पास में टैक्सी लेडी छोड़ दी कि हम लेट जाते हैं, जा रहे हैं मज़ी काफ़ी है, 10 बजे 11 बजे जा तो रहे हैं ना, उधर फटा पड़ा है वापटा बनूंगा सुबह सुबह। चलो जो हमारे महल वालों की होने लगी उनके साथ बुरा हालात, क्योंकि लाइट सुबह सुबह चलेगी, जब मैं घर आया था तब तो ऐसे मेरे थे, अभी दोबारा चलेगी है जब से मैं घर से निकला हूँ, क्योंकि देखे ना वापडा वाले आए हैं तो हिदमत गा रहे हैं वहाँ की। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे जिसे बहुत इज्जत अफजाई लोग इतने अच्छे लफ्जों में याद करते हैं, वाहिद इदारा है, तो बाकी वो तो बेचारे अपनी मेहनत करते हैं, बड़े बड़े इनके गलत होते हैं ना। देखिए इस टाइम हाँ तो कचहरी के बाहर भी बहुत ज़्यादा रश पड़ा, पता नहीं क्या वजह, असल में आज जुम्मा ना, कल भी छुट्टी होगी, परसों भी छुट्टी होगी, जिसकी वजह मुजरम ज्यादा आज इकट्ठे हो गए हैं। आहा बहुत चंगा ना मैं। तो जी कॉल आई है भाई आते हुए ना, ले आना कोई चीज, ले आना मेहमान आ रहे हैं, इसकी वजह से हम बेकरी पे दुकान पे जाने से पहले तो फिर हम एक चीज़ ले रहे हैं बेकरी पे आए, हमने कहा चले पहले ये चीज़ ले ना, ऐसे सब कहते पुत्र इसलिए आपको जल्दी उठा रहे थे, मेहमान आ रहे थे चीज़ लाने, लेकिन आपने रूटीन के हिसाब से उसी टाइम से उठे, हमने कहते जाने से पहले चीज़ें देते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, बाकी फिर आप करते रहे जो करना होगा। यहाँ से भी कोई दूध शूध भी लेना था, सारी बात है बिस्किट शीस के साथ आए थे, दूध लेने का रश पड़ा हुआ था। तो जी हमारा था व्लॉग, तो आज इधर बाजार भी बन गए, इधर अपने महल भी बन गए, दोबारा वापस आना पड़ा, जाते हुए हम पैदल थे, अभी बाइक पर हम जा रहे थे, बाद कुछ चीज़ें वगैरह घर देनी थी, तो गेस्ट आ रहे थे, हमने कहा चले बाइक भी चलते हैं यार, नाटक नहीं ओपन हुई, मैं आज टाइम नहीं कहा कि यहाँ पे आए कोई ट्राई शेक करें, सुना बड़े क्लास का टेस्ट है इनका, चौकस किस्म का पपीटा नीरा, बाकी बैंक तैयार हो रहा है, बहुत लंबा काम कर दिया इन्होंने, बाकी चलते हैं मिनट मारते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हम वेस्ट कर चुके हैं। तो जब यार जब हम पहले दुकान पर आते हैं ना, ये सारी पार्किंग फुल हुई थी, हमें जगह नहीं मिल रही थी बाइक इधर पार्क करना, आज आपको भाई अकेला अकेला आया है, यहाँ बाइक खड़ा किया, हमारे से पहले एक भाई मेरे वो आए हैं जिनका वो बाइक खड़ा है, बाकी पूरी पार्किंग खाली है, देखें मैंने सारी पार्किंग फुल होती है, तो अभी हम अलग नाम लेके चलते हैं दुकान पे, बाकी जाके अपलोड देते हैं आपको दुकान पे। पहली दुकान बंद सामने नजर आ गई, शाबाश, वहां चलते हैं। एक ये बंद, दो ये बंद, तीन अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, ये बंद, चार पाँच, ये दुकान लगाते हैं, बाकी फिर हम आपको तो सज्जन 12:30 का टाइम हो गया, मेरे जुम्मा पड़े चलते हैं बाजार में, आज लाते ही को नहीं, ठंडा ठंडा बाजार है, जो कस्टमर आ रहे हैं चीज़ें चीज़ें लेके जाते जा रहे हैं, लेकिन रश बाजार में बिल्कुल को नहीं, चेक करो तो माइनर साहब भी रश नहीं है, जब कासा भी बीच गया कहीं किसी काम पर गया, छुट्टा बैठा है दुकान पर, बाकी ये देखें बाकी से बाजार देखें, बंदा जो मर्जी खेले, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, मेरे हिसाब से क्रिकेट से ही खेलने होगी, रश बिल्कुल को नहीं है, तो बाउंड्री भी ठीक है, मेरा दिल है वो जहाँ पे वो लाइट लगी वहाँ से बंदा बाउंड्री लगाता है, क्रिकेट का सीन बनाता है, वकासा आता है पूछते हैं उसे बॉल और बैट में बस ये पड़ा हुआ है, प्लास्टिक का भी है, लकड़ का भी है, रैकेट शटल भी है, फुटबॉल खेलना, फुटबॉल ही पड़े हुए हैं, तो सीन बनाते हैं, फिर अम्मा को बताते हैं कि हमें क्या डिसाइड किए,
तो उस हिसाब से मैनेज करते हैं, खेलते हैं, किसी और भाई ने खेलना है वो भी दुकान पे आ जाए तो खेलते हैं। अभी हम जा रहे हैं यार जुम्मे की नमाज के लिए। जन्नती है कंफर्म जन्नती, चलते हैं यार। जल्द थोड़ी देर पहले जाना है, कस्टमर आ गए जिसकी वजह से हम थोड़ा बिजी हो गए, अभी जा रहे हैं। बाकी इस टाइम देखते हैं क्या मनाजर है। थोड़े पहले बड़ा चौकस किस्म का मौसम बना था, अभी फिर गर्मी शुरू हो गई चौकस किस्म की। TCS वालों पहुंचो ध्यान से, लोग वेट कर रहे हैं आगे पार्सल का। चलते हैं यार, बाकी आपको मिलते हैं नमाज के बाद। तो बाकी अपडेट होगी हम आपको साथ साथ शेयर करते भी जा रहे हैं। ईदगाह मस्जिद रोड क्रॉस का करीब ही है। क्या सलामत, क्या आखिरी दिन चाह रहे हैं। A few inches later. दोस्तों यार फारक बैठ के हमारी छुट्टी हो गई, हमें समझ नहीं आ रही मैं करना क्या चाहिए। विकास में भी चले गए, शुक्र है नविदा भाई आ गए, थोड़ी कंपनी मिलेगी, एंजॉय करेंगे, चास लेंगे, थोड़ा बहुत शुगर मेरा लगेगा। मैं बड़ा बोर हो रहा था, मेरे समझ नहीं आती यार मैं क्या करूँ। शुक्र नविद भाई आ गए, भी थोड़ा इनसे शुगर मेरा लगाते हैं, सही बात है। दुकान भी बांध देते हैं, अगर सीख भी हम थोड़ा बहुत टाइम देते हैं नवीद भाई को, फिर बताते हैं हम आपको क्या हमारा फाइनल डिसीजन हुआ है, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, फिर बताते हैं हम आपको। आज दुकान बाजार बड़ी जल्दी बंद हो गई यार, समझ नहीं आ रही। भी देखे ना यहाँ पे रोशनी भी है, वरना जब मैं इस टाइम काटा नहीं आते गुप अंधेरा हुआ आता है, क्या सारी मार्केट बंद होगी ऊपर वाली भी। अभी हम काटन लेके नीचे चलते हैं, जाके हम भी दुकान बंद करने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। सारी बात है हम भी अकेले बैठ के क्या करना है, वैसे भी नवीद भाई भी आ रहे हैं, उन्होंने कहा कुछ सीन ही नहीं करना आगे पीछे जाना उनके साथ। बाकी फिर भी चलते हैं, काटन उठाए हैं साथ, तो बाकी जाके हम आपको स्टोरी सुनाते हैं क्या कुछ स्टोरी करेंगे। अभी हम जाके मिलते हैं आपको शॉप पे। सजनों टाइम तकरीबन अभी 8 भी नहीं हुए थे, बाजार के हालात हम आपको दिखाते हैं। सारा बाजार बंद हो गया है, पता नहीं क्या वजह बनी है बाजार वालों को। इस साइड पे देखें ये भी बंद हो गई भाई की सारी शॉप से, इस साइड पे दिखाते हैं आपको, इस साइड पे भी सारा बाजार बंद हो चुका है। आप देखें ना, पता नहीं क्या वजह बनी है सारा बाजार जल्दी बंद हो गया। तो अभी भी हम बंद करते हैं दुकान। नवीद भाई यार यार कहते हैं थोड़े फिर उनके थोड़े दोस्त से मिल गए, थोड़ा टाइम दे रहे हैं हम साथ साथ दुकान बंद कर रहे हैं। देखें ना साथ साथ सामान हम इधर रख रहे हैं, साथ साथ हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अभी बंद करते हैं दुकान, बाद चलते हैं, नई अपडेट हम आपको साथ साथ देते रहेंगे यार। तो आज तो अल्लाह का शुक्र है बिजली नहीं गई, वरना हमारे कपड़े इस टाइम तक ब्लैक हो जाने। ब्लैक तो प्रॉपर ब्लैक तो खैर नहीं कह सकते, शेड उन्होंने ब्राउन का ज़रूर दे दिया हो, तो पॉकेट्स वगैरह वही हो, पॉकेट्स भी भाजी सारी, पर पसीना तो नहीं आया। अभी थोड़ा बहुत काम कर इस पर थोड़ा बहुत पसीना आ रहा है, उन्हें पसीना भी नहीं था है अभी, तो जो हुए हैं वो भी नहीं थाने थे। चले भी बंद करें साथ साथ, हम फिर आपको अपडेट देते हैं। कोई भाई हमारी दुकान बंद कर रहे हैं, वो खड़े हुए बंद कर रहे हैं साथ साथ। बाकी इस साइड पे इनकी दुकान है भाई भाई की, बाकी सारे बाजार तक बंद हो गया, बंद करके फिर हम यहाँ से निकलते हैं साथ आपको देते हैं किसी नई अपडेट। तो ये दुकान बंद करके अभी हम आए हमारे जिले को दो चीज़ का सीन करने देखे हैं। आज थोड़ा मियाँ जी पे और भी बंद कस्टमर खड़े हैं, हम लड़के का वेट कर रहे हैं, मैं खड़े खड़े यहाँ पे दूध ही पी लेते हैं, दूध रेडी होते हैं। बंद करके भी हम आ गए पुराने रोड पे, देश दूध पिए, उसके बाद अभी मारा जिला छोटी का सीन करते, तो हम मुझे बाजू के चक्कर में फिर आ गए। और सुकास भाई के साथ आए थे, आज हैदराबाद के साथ आए, तो भी इधर आपको व्यू करवाते हैं बाजू का, अपने लाइव मॉडल को ही चेक करवाते हैं आपको, देखिएगा अभी रेडी हो रही है हमारी। तैयार हो रही है, कितने भी टाइम है, बच्चे रेडी हो गए, लेके चलते हैं बैठते हैं, जाके बैठते हैं खाना इस तरह बड़े शुरू करते हैं, फिर साथ साथ आप आपको अपडेट देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा रेडी होने में, फिर आपको बताते हैं साथ साथ अपडेट करते रहेंगे साथ साथ आप। तो अभी हम बारबेक्यू का सीन करके आ चुके हैं, तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर, तो घर जाते हुए हमने सोचा ये फूड जाते हैं लेके जाते हैं, क्योंकि घर जाके शेक वगैरह पीना होता है ना, फिर जाकर थोड़ी जान जूँ बना रहे हैं, जिम तो हमें जाने नहीं हो रहा, जान जूँ बनाते जाके। बाकी इस टाइम ही देखिए, इस टाइम ये हालात जा रहे हैं यहाँ पे, ये भी बस मार्केट बंद होने लगी है, जानने हो रहे जानने के बाद फिर हम आपको अपडेट देते हैं साथ साथ। 2000 years later. तो टाइम तकरीबन 1:30 हो चुके हैं रात के, तो हमारे हिसाब में मार्केट गए हुए थे सामान लेने, आज फ्राइडे का दिन था, तो शॉप की परचेजिंग जो हम करते हैं वो फ्राइडे वाले दिन करते हैं, तो भाई साहब परचेजिंग करने गए हुए थे, तो अभी वो वापिस आए, तो उन्हें मैं एड्रेस ड्रॉप करे जा रहा हूँ, मुझे उन्होंने कॉल की बेटा मैं इधर पहुँच आया, तो मैं बोला भूखे उधर भी आपको लेने आ गए थे, मैं पैदल ही आ रहा हूँ, मैं कहने लिए हम पैसे में आपको लेने आ जाते हैं, तो भी हम उन्हें लेने जा रहे हैं। तो यार
देखें आप, मजे की बात यह है कि अभी बारिश का मौसम बना हुआ है। वो जब गुजरात पहुंचे थे कहते हैं गुजरात बड़ी तेज बारिश लगी हुई है, मैंने बोला खाने से कोई चक्कर नहीं, इस तरह का बारिश वारिश का कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि गुजरात बड़ी तेज बारिश लगी, बाकी हम चलते हैं जाके मिलते हैं गोटे पर मारा ने माल खाई है यहाँ के खाने की आन और खाने की शान। यही जब अपनी राह को बड़े दिनों बाद दिखा रहे हैं, इसकी इजाजत किया करें यार, गनीमत है ये। इसके फिजा हमने अपनी जिंदगी में देख ले, इसकी ओपनिंग हमने अपनी जिंदगी में देखनी, हमारी ख्वाहिश ये भी। क्या बोला तूने? चेक करें आप, क्यों कसम वाले 6 महीने बाद कलर कार के फिर नया कार के छोड़ देते हैं, अब जा रहे को ओपन करते हैं, इसकी ओपनिंग करते हैं कौन सी। देखिए हम बातों बातों में अड्डे पे पहुंच जाएं, यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, किस्म बहुत ज़्यादा हो इसी वजह से। आपको देखिए ना भाई जान, पूरा हैवी किस्म हमारा ना समझ आ गया ना, अभी हम जल्दी जाके मिलते हैं आपको अड्डे पे। तो मुझे ये गाड़ी जा रही है, हमारे सब आ गए हैं, वो आ रहे हैं सब हमारे, तो उन्हें लेके हम चलते थे यार। आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जरा भाई को लाइक किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।